नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद मिश्रा। आज आपको जो है कंप्यूटर से संबंधित कुछ टॉपिक्स पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें आपसे हम 10 क्वेश्चन का रिवीजन कराएंगे, जो सुपर टेट डीएलएड के लिए बहुत ज़रूरी है और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ज़रूरी है। और इसके अलावा जनरेशन कंप्यूटर्स के इससे क्वेश्चन ज़रूर बन जाता है। तो 5 जनरेशन हैं कंप्यूटर्स की, तो उसमें फर्स्ट जनरेशन की अगर बात करते हैं तो फर्स्ट जनरेशन 1942 से 55 तक चला था और इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था। याद रखना, पूछा जाता है फर्स्ट जनरेशन में किसका प्रयोग हुआ, सेकंड जनरेशन में किसका प्रयोग हुआ, तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था। और इसमें इनपुट में पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था, इसका एक्सटर्नल जो स्टोरेज था मैग्नेटिक टेप था। यहाँ पर लैंग्वेज का प्रयोग किया जाती थी, तो मशीन लैंग्वेज होती थी, असेंबली होती थी। और इसके कुछ प्रमुख उदाहरण जो हैं यूनिवैक हैं, इनिवैक हैं और इडवैक हैं, तो इनके आप याद कर लीजिएगा, एक आध क्वेश्चन इनसे ज़रूर आ जाते हैं। और सेकंड जनरेशन की जब बात करते हैं तो सेकंड जनरेशन 1956 से 1963 तक चला था और इसमें याद रखना ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग हुआ था, याद रखना ट्रांजिस्टर। और इसका जो डाटा इनपुट ऑपरेशन था जो पंच कार्ड से, और एक्सटर्नल स्टोरेज इसका था मैग्नेटिक टेप। यहाँ पर लैंग्वेज बदल गई थी, लैंग्वेज फोर्ट्रॉन था, कोबॉल था और बेसिक था। इसके प्रमुख जो है उदाहरण थे IBM का 1400 एंड 700 और IBM का 350, ये प्रमुख इसके एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड जनरेशन की, तो थर्ड जनरेशन जो चला था 1964 से 1971 तक। तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब आया, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर आया और थर्ड जनरेशन में IC आया, इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे हम लोग चिप बोलते हैं। तो यहाँ इनपुट ऑपरेशन था, कीबोर्ड आ गया था, मॉनिटर आ गया था और एक्सटर्नल जो स्टोरेज इसका था ये मैग्नेटिक डिस्क में होने लगा था, जैसे CD हो गई, ये सब डिस्क के अंतर्गत आ जाती हैं। लैंग्वेज यहाँ पर पास्कल, फोर्ट्रॉन, कोबोल आ गई थी और इसके प्रमुख उदाहरण कौन है, IBM सिस्टम का 360 और Apple 1 आ गया था। अब बात करते हैं फोर्थ जनरेशन की। फोर्थ जनरेशन कब से कब तक चला था, 1972 से 1989 तक, और ये माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पर आ गया था, वहाँ पर IC, यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर आ गया और कीबोर्ड माउस यहाँ पर आ गए, स्कैनर आ गए, प्रिंटर आ गए, सब आ गए थे। और इसका जो स्टोरेज था मैग्नेटिक डिस्क था विथ हाई जो है कैपेसिटी वाला आ गया था। यहाँ पर भाषा जो आ गई थी C++ आता थी, C++ आ गई थी, RDBMS आ गई थी, है ना, जो लार्ज डाटाबेस को स्टोर कर सकती थी। इसके एग्जांपल्स कौन थे, IBM का PC आ गया था 1980 में, Apple का Macintosh आ गया था 1984 में। अब फिफ्थ जनरेशन की बात कर रहे हैं जो अब चल रही है, ये 1989 से अभी तक चल रही है। यहाँ पर क्या आ गया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गए थे और जैसे रोबोट वोबोट बनने लगे हैं इससे, और यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज होने लगा और यहाँ पर लैंग्वेज जो है ये किसी भी प्रकार की जो है ह्यूमन तक की लैंग्वेज को समझ लेता है और इमेज को रिकॉग्नाइज कर लेता है। तो इस प्रकार से ये जनरेशन थे। अब आपको हम 10 क्वेश्चनों का रिवाइज कराएंगे। इसमें कुछ प्रमुख जो है वैज्ञानिकों के नाम हैं, जैसे चार्ल्स बेबेज को आप जानते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर हैं। एडा लेविलॉस को याद रखिए, ये फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर है, जो फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर है ये एडा लेविलॉस। और डॉक्टर हरमन हॉलीथ, ये जो है इलेक्ट्रोमैकेनिकल पंच कार्ड टेबलेटर को बनाया था। तो ये 3 क्वेश्चन है, इनको आप याद रखिएगा। अब आपको हम 10 क्वेश्चन का रिवीजन करा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये हो सकता है किसी न किसी एग्जाम में आए हैं और फंस जाते हैं, और सुपर टेट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। 10-5 क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर के और आपके डीएलएड में तो आएंगे आएंगे ही, तो सुनिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, भंडारण की क्षमता के अनुसार सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो इसकी बात करते हैं तो सबसे छोटी इकाई आपने पढ़ा होगा बिट, 0 और 1 बिट होती है, बिट से बनता है बाइट, बाइट से किलोबाइट, किलोबाइट से मेगाबाइट, मेगाबाइट से गीगाबाइट, गीगाबाइट से टेराबाइट, टेराबाइट से और भी बाइट होते हैं, तो यहाँ तक 4 ऑप्शन है, तो टेराबाइट यहाँ पर सबसे बड़ा है। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, USB का पूरा नाम क्या है, तो USB का पूरा नाम आपको याद होना चाहिए, यूनिवर्सल सीरियल बस है, और सब गलत है। नेक्स्ट आ जाते तीसरा क्वेश्चन, वेब पृष्ठ पते के लिए क्या नाम है, वेब पृष्ठ एड्रेस के लिए
उसका नाम होता है URL। आपने इसका पूरा नाम क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये जो से होम पेज जैसे ले जाते हैं तो HTTP का पूरा नाम हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, आ जाता है ना, तो इसी से ये है वेब पेज। अब चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित डोमेनों में से किसे गैर लाभकारी व्यापार के लिए प्रयोग किया जाता है। हैं जो गैर लाभकारी, तो जहाँ पर कोई लाभ ना होता तो वो क्या होता है, जैसे .net तो ये सरकारी नेट के लिए होता है, जितने भी कमर्शियल होते हैं और .com भी होते हैं, जितने एजुकेशन के लिए .edu होता है एजुकेशन, आपने जैसे आपका एजु बोर्ड है ना, तो यूपी बेसिक एजु बोर्ड, जितने एजुकेशन संबंधित एजु, और जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं तो वो .org लिखते हैं, तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही है। पांचवा क्वेश्चन है कि इंटीग्रेटेड चिप का निर्माण किसने किया था। तो इंटीग्रेटेड चिप का निर्माण जो है सबसे पहले जेयर किर्बी ने किया था, उसके बाद रॉबर्ट नोई ने किया था, तो इस प्रकार से दोनों ने किया था, फर्स्ट और सेकंड ए और बी दोनों सही है, ठीक है ना। तो आपको इसको इसके पॉइंट्स हैं, जैसे 1958 में सबसे पहले चिप का निर्माण हुआ था, IC इंटीग्रेटेड चिप इसका पूरा नाम है, और इसको जे एस किल्वी ने बनाया था सबसे पहले। इन्होंने जर्मेनियम धातु का प्रयोग किया था, सबसे पहले याद रखना जर्मेनियम धातु से चिप बनाई गई थी। 1959 में रॉबर्ट नोवी ने जर्मेनियम की जगह सिलिकॉन का प्रयोग किया था, तो दोनों वैज्ञानिक यहाँ पर प्रयोग किए गए, और अपने यहाँ सिलिकॉन वैली बहुत मशहूर है, ये बेंगलुरु के नाम को जाना जाता है। नेक्स्ट है, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन का पहला कंप्यूटर कौन सा है, ENIAC, इसका पूरा नाम क्या है। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या प्रयोग हुआ था, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था, और इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। तो ये छठवां क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IBM आपने पढ़ाया, तो IBM का पूरा नाम क्या है, तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM का पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अब आपको प्रेरणा ऐप चलता है, मोदी योगी जी ने लॉन्च किया है, तो क्वेश्चन पूछा गया है CTET में, UPTET में, SuperTET में बात करते हैं, तो ये राज्य सरकार के यूपी के राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। मॉडेम का कार्य क्या है, तो मॉडेम का कार्य आप हमारे बताइएगा क्या होता है कमेंट्स बॉक्स में, मॉडेम का कार्य क्या है, ये जो डिजिटल लैंग्वेज को एनालॉग में बदलते हैं, और इसका पूरा नाम क्या है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, तो मॉडेम के बारे में हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है, वर्ड पैड, विंडोज 7, कैलकुलेटर, एमएस वर्ड, तो विंडोज 7 यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इस प्रकार से 10 क्वेश्चन का आपको रिवीजन किया, आप जो है जनरेशन पूरा पढ़ लीजिए और क्वेश्चन याद कर लीजिए, जो क्वेश्चन बताया है उसको आप सुना दीजिए, बता दीजिए, और ये रिवीजन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुपरटेट में तो आना ही आना है, 5 क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, तो साधारण ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।